मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को नगर निगम दुर्ग के वार्ड 3 कबड्डी मैदान में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने गया नगर वार्ड 4 में लगभग 2 करोड़ से भी अधिक की राशि से सर्व सुविधा युक्त मांगलिक भवन निर्माण व उरला वार्ड 58 में 2 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले खेल मैदान सहित शहर के विभिन्न वार्डों में लगभग 22 करोड़ से भी अधिक की राशि से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आज यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन था और हमारी सरकार को अभी मात्र 9 महीने हुए हैं और आज हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी हैं श्री अरुण साहू जी, जिनके पास शहरी विकास मंत्रालय भी है। और आप सभी लोगों ने सुना है कि 8 महीने में 45 करोड़ की स्वीकृति सिर्फ दुर्ग शहर को मिला है विभिन्न कामों के लिए और 167 काम, और जिसमें से आज 23 करोड़ के काम का भूमि पूजन किए हैं। और आज यहाँ शुभकामना देने आए हैं दुर्ग नगर की जनता को कि उनके आशीर्वाद से हम लोग सरकार में बैठे हैं तो उनके लिए काम हम लोग कर पाए हैं। अब जहाँ तक डोंगरगढ़ की बात है, उसमें जांच का आदेश हुआ है, वास्तविकता आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। फेडरेशन के लोग 5 साल उनको समय मिला था, बहुत बड़ा जनादेश मिला था और 5 साल में ही वो सरकार से आउट हो गए। अगर अच्छा काम किए होते तो यहाँ की जनता उनको दोबारा सरकार में बैठाई, तो उनको मतलब आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। सबका समाधान होगा।